नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितिका सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच में महायुद्ध लगातार जारी है। 20 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी तरह का सुलह का रास्ता निकलकर सामने नहीं आया है। और ऐसे में बड़ी खबर आपको ये बता दें कि यूक्रेन पर रूस की बमबारी लगातार जारी है। लवीव एयरपोर्ट के पास रूस ने 3 मिसाइल दागे हैं। इस हमले के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई और वहां से निकल रहा काला धुआं, ये आप देखिए किस तरीके से काले धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में फैल गया। हालांकि इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग जख्मी हुए हैं, ये अभी पता नहीं लग पाया है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए लवीव में किस तरीके से रूस के हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। कई मिसाइल यहां पर दागी गई है और काले धुएं का गुब्बार जो कि पूरी तरीके से आसमान में छाता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ इसी तरीके का मंजर है। 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ऐसे में दोनों देशों के बीच में ये महायुद्ध लगातार जारी है। कीव पर कब्जे की कोशिश जो लगातार पुतिन करते हुए नजर आ रही है, वो नाकामी उन्हें हाथ लग रही है। और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर अब क्या कुछ साजिश है पुतिन की। एक तरफ बातचीत भी लगातार जारी है जो कि हर बार बेनतीजा साबित होती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ राजधानी कीव के साथ साथ अलग अलग शहरों पर भी रूस का कहर लगातार जारी है। शहर दर शहर खंडर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रूस की सेना ने यूक्रेन पर बमबारी और तेज कर दी है। सेना अब यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। खार्किव में रूसी सेना ने बाजार पर बमबारी की है जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं। वहीं कीव के नजदीक लवीव एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया। ये दो तस्वीरें आप देखिए रिहायशी इलाके में किस तरीके से हमला यहां पर किया गया है। इसके साथ ही राजधानी कीव पर भी हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक किया गया है, जो बिल्डिंग जहां पर लोग बसा करते थे। हालांकि आगाह उन्हें पहले से किया जा चुका था, पहले से ही चेता दिया गया था कि किसी भी वक्त रूस की तरफ से हमला हो रहा है, ऐसे में आप अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करें। लेकिन जिस तरीके से हमले पुतिन की सेना के तरफ से जारी है, उसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और कई सवाल उठते हुए कि आखिर अब इस महायुद्ध का भविष्य क्या कुछ होगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने दुनिया से अपील करते हुए कहा है कि आज मारियोपोल को सहायता की जरूरत है। मारियोपोल के लोगों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। यूक्रेन का मारियोपोल शहर पर भीषण हमला लगातार जारी है और शहर पर किस तरीके से बमबारी लगातार जारी है उसकी तस्वीर आप देखिए। यूक्रेन सेना की दुनिया से अपील है कि हर एक देश इसी तरीके से मदद को आगे आते रहे। मारियोपोल शहर जहां पर इस वक्त हमले रूस की सेना की तरफ से लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये अपील यूक्रेनी सेना की तरफ से की जा रही है कि सहायता की जरूरत है। Маріуполь – це місто, яке не скорилося Росії в 2014 році, яке 8 років було символом українського Донбасу, світлого, прекрасного українського Донбасу на противагу російському Мордору. Ек ор бадий хабар апко батаде, Русь-Юкрейн юдх пар бадий хабар самне аа рахі хай. Юкрейн ка русі сена ко कड़ा जवाब। खार्किव में कई रूसी टैंक तबाह किए गए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है कि कई रूसी टैंक हमने तबाह कर दिए हैं। खार्किव से यह खबर सामने आई है जहां पर लगातार रूस की सेना किस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, लेकिन इन हमलों पर यह बड़ा दावा किया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि कई रूसी टैंक है जिन्हें हमने तबाह कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, यही वो टैंक है जो कि लगातार हमले करते हुए नजर आ रहे थे। सड़कों पर पराटा भरते हुए यही रूसी टैंक थे, बड़े बड़े गोले दागे जा रहे थे। ऐसे में अब ये बड़ा दावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि इन्हीं टैंकों को हमने तबाह कर दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 23वां दिन है। रूस के कीव पर लगातार हमले तेज हो रहे हैं और ऐसे में राजधानी कीव से हमले की ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। कीव के एक जिले में हमले के बाद एक इलाके में आग लग गई जिसके बाद आसमान में काला धुआं छा गया। ये देखिए किस तरीके से राजधानी कीव पर ये हमले किए गए। मिसाइल हमले ताबड़तोड़ लगातार जारी है के बाद एक कई मिसाइल यहां पर दागी गई है रूसी सेना की तरफ से और यहां पर ये भयानक तस्वीर, खौफनाक मंजर और इसी तरीके से काले धुएं का गुब्बार चारों तरफ फैलता हुआ नजर आ रहा है। शहर दर शहर जहां पर भारी नुकसान रूस की तरफ से पहुंचाया जा रहा है। कहर बनकर ये मिसाइल हमले होते हुए रूस की तरफ से और तबाही का मंजर जो कि चारों तरफ इसी तरीके से लगातार बढ़ता हुआ
23 दिन से जंग लगातार जारी है, लेकिन अभी तक ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ही देश पूरी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी देश यूक्रेन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं उस पर चेतावनी भी रूस की तरफ से सामने आ चुकी है कि अगर मदद पहुंचाते हैं बाकी देश यूक्रेन को तो इसी तरीके से हमारे हमले और तेज होते हुए नजर आएंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना की ओर से वीडियो जारी किया है। ये वीडियो खार्किव का बताया जा रहा है, जहां पर यूक्रेन की वायुसेना ने रूस के सैनिकों पर हमला किया है और रूसी पोस्ट को तबाह कर दिया है। हमले के बाद रूसी पोस्ट में आग लग गई। ये तस्वीर आप देखें, यही वो रूसी पोस्ट है जहां पर मिसाइल से हमला किया गया, जहां पर ये भीषण आग लगी और उसके बाद ये रूसी पोस्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। नामोनिशान इस रूसी पोस्ट का मिट चुका है। यूक्रेन की तरफ से ये हमला किया गया है। तो पुतिन जो दिन ब दिन लगातार अपना प्लान, अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उसी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से काउंटर ज़ेलेंस्की कर रहे हैं उसकी ये तस्वीर आप देखिए। रूसी पोस्ट जिसे तबाह कर दिया गया है यूक्रेन के हमले द्वारा। वॉर जोन से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 23 दिन से यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। इस बीच जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर बहुत बड़ा हमला बोला है। जो बाइडेन ने पुतिन को हत्यारा, तानाशाह और ठग कहा, जिसने यूक्रेन के लोगों के खिलाफ अनैतिक युद्ध छेड़ा है। ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है, बड़ा हमला यहां पर बोला गया है जो बाइडेन की तरफ से रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर। Standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine.